Hello everyone, in this video we are going to cover chapter 7 everyday CEOs exercise. ओके तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप जितनी भी क्लास 8 की वीडियोस हैं जिसमें रीडिंग पोर्शन के अलग वीडियोस हैं और जो एक्सरसाइज पोर्शन के लिए अलग वीडियो हैं तो वो आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. ओके और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट कमेंट मुझे एक आया था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि जो वर्ड मीनिंग है उसमें हिंदी भी आप वहाँ पे लिखिए. तो इस वीडियो से मैंने एक्सरसाइज में हिंदी मीनिंग भी वहाँ पर नोट कर दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहाँ पर. तो स्क्विल्ड, स्क्विल्ड मतलब मरीन यानी एक्सट्रीमली डर्टी. ओके गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा, ठीक है, कचरा. डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर पे जो गंदे जो सामान होते हैं जिसको फेंका जाता है वो होता है गार्बेज. पॉट होल, पॉट होल मतलब होता है गड्ढे. सड़कों पे जब जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है पॉट होल. सॉलो होल्स इन अ रोड सरफेस, ठीक है. डिफिनिंग यानी गर्जनपूर्ण, बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ में, एक्सट्रीमली लाउड. कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स ढह जाना, गिर जाना. ओके टू फॉल अपार्ट. मैरून मीन्स असहाय, जिसकी जो चीज़ सहा ना जा सके, ठीक है, जैसे कोई पीड़ा होती है वो भी चीज़, जैसे स्टक इन अ प्लेस विथ नो चांस ऑफ एस्केप. ओके ऐसी जगह पे फंस जाना जहाँ से निकलना मुश्किल हो. ओके उसको भी बोलते हैं मैरून. उसके बाद आता है रैंगलिंग मतलब तकरार यानी खिंचातनी हो जाना. टू आर्ग्यू एंग्रीली एंड यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम, गुस्से के साथ एक दूसरे से झगड़ा करना, ठीक है, और बहुत समय तक के लिए, तो वो कहलाता है आपका रैंगलिंग. आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है एम्बार्कमेंट. एम्बार्कमेंट मतलब तटबंध, इंग्लिश में बोला जाए तो अ स्लोप मेड ऑफ अ स्टोन यूज एज अ रोड. रेल की पटरियों के जस्ट बगल पे देखेंगे कि छोटा सा एक गैप होता है, वहाँ पे एक रोड टाइप होता है, हालांकि वो रोड नहीं होता, ठीक है, तो वो जो जगह होती है उसी को बोला जाता है एम्बार्कमेंट यानी पगडंडी बोल सकते हैं, ठीक है. माउंड, माउंड मतलब ढेर. लार्ज पाइल ऑफ अर्थ यानी किसी चीज़ का एक बड़ा सा ढेर बन जाना, जब मिट्टी इकट्ठा होती है गिरती है तो होता है ना वैसा. डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स मलबा. जब कोई चीज़ टूटता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है डेब्रिस. जनरली ये घरों के या इमारतों के टूटने पे जो कचरा जमा होता है उसको बोला जाता है डेब्रिस. पीस ऑफ वुड, मेटल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा, ठीक है, जिसमें मेटल का भी पीस हो सकता है, ठीक है, ईंटों के भी टुकड़े हो सकते हैं, लकड़ी के भी टुकड़े हो सकते हैं. सो दैट आर लेफ्ट आफ्टर सम बिल्डिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी जब कोई बिल्डिंग टूटती है तो उसके द्वारा जो कचरा जमा होता है उसको बोलते हैं डेब्रिस. स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग मीन्स संघर्ष करना, यानी कोई भी चीज़ पाने के लिए हम जो कठिन परिश्रम करते हैं वो होता है आपका स्क्रैम्बलिंग. टू डू समथिंग विच डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ को करने के जो कठिन प्रयास होता है वो स्क्रैम्बलिंग कहलाता है. ओके सो इन अ रीडिंग पोर्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हमको आंसर देना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नरन भाई करंजिया कॉल्ड पिकॉक डॉक्टर. नरन जी भाई करंजिया को पिकॉक डॉक्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि नरन भाई करंजिया कॉल्ड द पिकॉक डॉक्टर बिकॉज ही लव्स पिकॉक. वो पिकॉक डॉक्टर इसलिए कहलाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पिकॉक्स यानी मोर से बहुत लगाव रखते हैं. ही ट्रीटेड ऑल इंजर्ड एंड इल पिकॉक अंडर द रेंज ऑफ 200 किलोमीटर्स. वो क्या करते हैं, उनका मानना है कि जितने भी उनके 200 किलोमीटर के अंदर में जितने भी पिकॉक हैं वो उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं. तो वो 200 किलोमीटर के अंदर पे जो भी इंजर्ड यानी घायल या फिर इल यानी बीमार जो पिकॉक्स हैं उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. एज वेल एज ही टेक्स केयर एंड रेस्क्यू ऑफ देम फ्रॉम द
हार्श इन्वायरमेंट लाइक अ फ्लड और नो फूड कंडीशन। इसके अलावा वो जो हैं जो हार्श कंडीशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, या फिर कहा जाए कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशंस में मोर का क्या होता है, खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, तो वैसे कंडीशंस में भी वो उनकी रेस्क्यू यानी बचाव का कार्य करते हैं, इसीलिए उनको पिकॉक डॉक्टर कहा जाता है। ओके, व्हाट इज़ द एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम? एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है? तो एक्चुअल में ये म्यूनसिपालिटी जो मुंबई म्यूनसिपालिटी है, उन्होंने ये एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ओके, सो मुंबई म्यूनसिपालिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, सौंदर्यकरण ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम था कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट और अ कॉलोनी टू सेपरेट देयर वेट एंड द ड्राई गार्बेज। इसके साथ तहत क्या करना था कि जितने भी वेट और ड्राई गार्बेज थे, ठीक है, गार्बेज मीन्स कूड़ा था, गीला और सूखा, उसको अलग अलग करके सेपरेट करना था, इकट्ठा करना था, और जिसमें जितने भी लोकेलिटी है, जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी मदद ली जानी थी। वाइल द वेट गार्बेज वॉज टर्न इन टू द कम्पोज टू ग्रो प्लांट, रैक पिकर्स वर हायर टू टेक अवे द डर्टी वेराइटीज़। जो जितने भी गीले कचरे थे उसको इकट्ठा करके क्या बनाया जाता था, खाद बनाया जाता था, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ओके, और जो जितने भी और दूसरे गंदे कचरे थे उनको उठाने के लिए, हटाने के लिए कुछ रैग पिकर्स को हायर किया गया था, यानी रखा गया था, तनख्वाह पे रखा गया था, ठीक है। रैग पिकर्स मतलब जो कचरा उठाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है रैग पिकर्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम था मुंबई म्यूनसिपालिटी के द्वारा। ओके, हाउ हैज़ शर्मा हेल्प्ड क्लीन अप हिज स्ट्रीट? जो मिस्टर शर्मा थे उन्होंने अपने स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए कैसे हेल्प की? सो शर्मा इम्प्लीमेंटेड द एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ओल्ड रेसिडेंट्स। वो अपने जो खुद का जो एरिया था उसको क्लीन करने की लगभग 600 व्यक्तियों के साथ में मिलके उन्होंने ये प्रोग्राम को चलाया, जिसमें शर्मा हैज़ ऑल्सो हेल्प द रेजिडेंट्स ऑफ मेनी अदर एरियाज इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम्स। वो तो अपने स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए उसमें लगे ही लगे, दूसरे भी स्ट्रीट को क्लीन करने के, दूसरी भी लोकेलिटी को क्लीन करने के लिए वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उनको भी उन्होंने जितना हो सका वो अपने साइड से उन्होंने मदद किया था। ओके, हाउ डिड द सिंगर अभिजीत हेल्प द कपल एंड द एक्सीडेंट विक्टिम? जो अभिजीत जो प्लेबैक सिंगर है, उन्होंने कैसे विक्टिम यानी जो जिनका एक्सीडेंट हुआ था उसकी, और कपल यानी जो जोड़ी थी जिनके द्वारा एक्सीडेंट हो गया था, उनकी मदद कैसे की? सो अभिजीत टुक द चार्ज एंड केयरफुली प्लेस द इंजर्ड मैन इन अ कपल्स कार एंड ड्रोव द हॉस्पिटल। उन्होंने क्या किया, जो इंजर्ड व्यक्ति था उनको आसपास के व्यक्तियों की मदद से कार में केयरफुली रखा, ठीक है, और उनके साथ में, कपल के साथ में वो क्या किए, वो कार को चलाते हुए पास ही के हॉस्पिटल में लेके गए उसको। ही रैंगल्ड टू द डॉक्टर टू एडमिट द विक्टिम इमिडिएटली एंड स्टार्ट ट्रीटमेंट। उन्होंने जो वहाँ के डॉक्टर थे उनसे बहस भी की ताकि उसको जल्दी से जल्दी एडमिट किया जा सके, क्योंकि ये पुलिस केस था तो डॉक्टर इसको लेने से मना कर रहे थे। ओके, ही लीव द हॉस्पिटल व्हेन द कंफर्म दैट हिज रिलेटिव गेट इनटू द टच। और वो वहाँ से हॉस्पिटल से तब निकले जब उनको ये कंफर्म हो गया कि उस विक्टिम के, ठीक है, जितने भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उनके संपर्क में हैं उनसे संपर्क बनाया जा चुका है, उनको बताया जा चुका है, तब वो जाके वहाँ से हॉस्पिटल से निकले थे। तो इस तरीके से अभिजीत ने उनकी मदद की थी, विक्टिम की भी और जो यंग कपल थे उनकी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द नॉट नोटवर्थी सिंगर?
जो नोटवर्थी सिंगर जो अभिजीत की जो स्टोरी है उससे आप क्या सीख लेते हैं? वी गेट अ मैसेज फ्रॉम द स्टोरी दैट डोंट हेजिटेट टू द हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स बिकॉज इट कैन सेव अ लाइफ। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी विक्टिम की यानी जिसको मदद चाहिए उसकी आप क्या है मदद करें, जो रेड एक्सीडेंट में जो घायल हो चुका है, ठीक है, जो विक्टिम है उसकी मदद करने से आप बिल्कुल ना घबराएं और उसकी मदद करें ताकि किसी न किसी की जान बचाई जा सके। इससे क्या है बहुत अच्छा मैसेज आता है, किसी भी रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी आप जल्दी से मदद करेंगे तो क्या होगा, उसकी जान बचाई जा सकती है। वाई डज वसंत कालबैग प्रमोट काइंडनेस अमंग पीपल। जो वसंत कालबैग हैं वो काइंडनेस यानी दयालुता को क्यों सभी जगह फैलाना चाहते हैं? सो मिस्टर वसंत कालबैग बिलीव्स नॉट ओनली हेल्प्स अदर इट बूस्ट आवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो जो दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करना सिर्फ हमारी ही मदद नहीं करता, वो हमारे जो दूसरों की मदद के अलावा हमारी भी मदद करता है। कैसे? वो हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो हैप्पीनेस है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है, हमारे जीवन की आयु भी उससे बढ़ती है। ये ऐसा मानना है मिस्टर कालबैग का। ही प्रमोटेड द मैसेज बिकॉज ही रियलाइज दैट इफ़ वन पीपल वर काइंड टू द अनदर द वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस। उनका ये भी कहना है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ज़्यादा दयालु हो जाए, ठीक है, सबके प्रति दयालु हो, तो ये जो दुनिया है वो रहने के लिए और ही बेहतर और एक बेहतर जगह बन सकती है। ओके, हाउ वॉज अमला मैरी एबल टू प्रिवेंट द रॉयल ट्रेजेडी? जो मिसेस अमला मैरी थी वो कैसे जो रोड एक्सीडेंट था उसको रोकने में सक्षम हुई? सो व्हेन अमला मैरी सॉ अ माउंड ऑफ डेब्रिस ऑन अ रेलवे ट्रैक ही कम आउट एंड स्टार्ट रनिंग द एम्बार्कमेंट विद द लिफ्टेड हिज रेड साड़ी पल्लू एंड वेविंग एज अ एस ही रन। जैसे उन्होंने देखा और सुना कि कुछ ही दूर पे एक घर जो है वो ढह गया है और उसका जितना भी डेब्रिस है यानी मलबा है वो रेलवे ट्रैक पे आके एक बड़ा सा माउंड यानी हिप टाइप का बना लिया है, ठीक है, एक ढेर बन गया है। तो उसको देखते ही वो घर से एकदम दौड़ते हुए निकली और जो एम्बार्कमेंट मानी रेल की पटरी के किनारे पे जो गैप होता है उसमें एकदम दौड़ने लगी और उन्होंने लकीली रेड साड़ी पहनी हुई थी तो उसका जो पल्लू अपने हाथ पे लेके दौड़ने लगी। From this act, the train driver understands some danger and stop the train before and save the rail tragedy. उसको दौड़ते हुए आते हुए देख के, लाल कपड़ा हिलाते हुए देख के वो जो ट्रेन ड्राइवर होता है वो आभास कर लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो अपने स्पीड स्लो कर लेता है और फाइनली वो वहाँ पे जाने से पहले ही ट्रेन को रोक लेता है। तो इस तरीके से जो अमला मैरी थी उन्होंने ये रेल ट्रेजेडी यानी दुर्घटना होने से उसको प्रिवेंट करने में सक्षम हुई थी। ओके, व्हाट इज़ कल्पना चावला अवार्ड गिवन फॉर? कल्पना चावला अवार्ड किसको और क्यों दिया जाता है? ओके, आंसर इज कल्पना चावला अवार्ड इज़ गिवन फॉर करेज यानी साहसिकता एंड द डेयरिंग एंटरप्राइज। ये जो अवार्ड है वो साहस और साहसपूर्ण व्यवहार के लिए दिया जाता है, साहसपूर्ण कर्तव्य के लिए दिया जाता है जो अमला मैरी ने किया था और उनको कल्पना चावला अवार्ड से नवाजा भी गया था। ओके, आगे आते हैं तो ये आता है सेक्शन बी, ठीक है, राइटिंग पोर्शन का, सॉरी राइटिंग नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ये सेक्शन बी, उसी में। So some act of the heroes in the lesson are given below. Explain the result of their timely action. कुछ हीरोज़ के हमने जो यहाँ पे कहानियाँ पढ़ी हैं और उनके जो समय रहते जो उन्होंने
कार्य किया, जो एक्शन लिया उसके क्या रिजल्ट आया, उसको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो टेबल है आपके बुक में दिया होगा, ये वाला पोर्शन हमको लिखना था। तो पहले देखिए कौन सा स्टेप टेक किया गया। सो सेट अप सेंटर इन द विलेज फॉर बर्ड, ठीक है, जो विलेज पे एक सेटअप किया गया जो वहाँ के बर्ड्स के लिए, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, सेव बर्ड्स फ्रॉम हंगर, जितने भी वहाँ पे पक्षी थे उनको भूख से बचाया गया। सेकंड, इंट्रोड्यूस ड्राइव टू टेक द इंजर्ड मैन टू हॉस्पिटल, एक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने से क्या फ़ायदा हुआ, सो सेव्ड समवन लाइफ, किसी की जान बचाई जा सकी। एनकरेज पीपल टू बी काइंड, किसी को अगर पीपल को यानी किसी व्यक्तियों को अगर हम एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं दयालु होने के लिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, बेटर लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये जो दुनिया है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी रहने के लिए। इम्प्लीमेंटेड ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट, जो एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट था उसके इम्प्लीमेंटेशन से यानी उसके उपयोग से, उसके परिणित होने से क्या फ़ायदे हुए, सो बेटर ब्यूटीफुल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, उससे क्या हुआ, जो एनवायरनमेंट था वो और बेटर हो गया और ब्यूटीफुल हुआ, साथ ही साथ क्लीन भी हुआ। स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोक के क्या फ़ायदा हुआ था, सो सेव्ड अ रेल ट्रेजेडी, यानी रेल दुर्घटना होने से बचाया जा सका था। ओके, सो नाउ कम इन अ वोकैबुलरी पार्ट, हियर वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन द क्ल्यू, ओके, सो लर्न एंड ट्रस्ट, दिस पोर्शन वी हैव दैट हैव टेकन फ्रॉम द लेसन, व्हेन वी आर रीडिंग द रीडिंग पोर्शन ऑफ द लेसन वी फाइंड दैट, ओके, सो व्हेन करंजिया ब्लैंक दैट अ पीकॉक वॉज इल और इंजर्ड ही ब्लैंक टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल, सो जब करंजिया जो थे उनको पता चलता है, ठीक है, लर्न, ओके, जब उनको पता चलता है तो वो क्या करते हैं, रस्ट यानी दौड़ते भागते हुए उसके पास पहुँचते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे। अभिजीत वॉज वॉट रिटर्निंग, वापस आए होम, व्हेन ही वॉज ही सॉ अ पीपल गैदर्ड अराउंड अ मैन, सॉरी यहाँ पे होगा, जब अभिजीत अपने घर लौट रहे थे रिटर्निंग टू हिज होम, तो उन्होंने देखा, ही सॉ अ पीपल, उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति वहाँ पे झुंड लगा के खड़े हुए थे। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वॉज बींग अटेंडेड, उन्होंने जब ये कन्फर्म कर लिया कि जो वो व्यक्ति थे उनको अटेंड कर लिया गया उनके परिजनों द्वारा, तभी जाके वो वहाँ से क्या हुए, लीव यानी वहाँ से गए, ओके, कहाँ से, हॉस्पिटल से। इसका हो जाएगा, इफ ओनली पीपल वर काइंड टू द अनदर वन द वर्ल्ड वुड बी बेटर, ठीक है, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के प्रति दयालु हो जाए तो जो दुनिया है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, बेटर प्लेस फॉर, ओके, एंड इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया ही स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी आइडिया के साथ इंस्पायर होके जो कार्ल बर्क थे उन्होंने अपना आइडिया जो है और ज़्यादा स्प्रेड किया था। द गार्बेज बिन्स, जो कचरे के डिब्बे थे, वॉज ओवरफ्लोड यानी भर के बाहर गिर रहे थे, स्ट्रीट लाइट नेवर वर्कड, जो स्ट्रीट लाइट थी वो काम नहीं करती थी, द लेन वॉज फुल ऑफ पॉट होल ऑन सरमास स्ट्रीट, जो उनका जो लेन था, उनका जो रोड था, स्ट्रीट लेन था, वो बहुत ज़्यादा गड्ढों से भरा हुआ था। अमला स्टार्ट रनिंग ऑन द एम्बार्कमेंट टूवर्ड द ट्रेन, अमला ने एम्बार्कमेंट में भागना स्टार्ट किया, किसकी ओर, ट्रेन की ओर, देन ही स्क्रैम्बल्ड डाउन मडी पाथ ऑन टू द ट्रैक्स, सी कंटिन्यू टू रन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मडी पाथ था यानी कीचड़ से भरा हुआ और जो रास्ता उबड़ खाबड़ था, तब भी वो उसमें दौड़ रही थी, किसके साथ में, साहस के साथ में, उसको
स्क्रैम्बल्स मीन्स होता है आपका प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए, ओके, बिना रुके वो दौड़ रही थी। चलिए आते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एक टाइप का जिसमें वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, वन हु है, हील्ड इज, तो ये क्लू आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको वर्ड चुनना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सभी का मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको जो है आसानी हो उस वर्ड का मीनिंग समझने में, ताकि आप आसानी से उसको लिख सकें। जैसे फर्स्ट दिया है, वन हु हील इज, जो ठीक होने में हमारी मदद करता है। तो कौन करता है? बावर्ची पास का एक व्यवसायी, प्रबंधक, वेबमास्टर, कूड़ा उठाने वाला, या चिकित्सक यानी डॉक्टर। सो आंसर इज डॉक्टर। वन हु रन अ बिजनेस, जो बिजनेस को चलाता है, दैट इज बिजनेस मैन, ओके, या बिजनेस को करता है, ओके। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की देख रेख करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, सो ही इज मैनेजर, ओके, प्रबंधक। वन हु सिंग्स फॉर फिल्म, जो फिल्मों के लिए गाना गाता है, सो ही इज अ प्लेबैक सिंगर, ओके। वन हु डिज़ाइन एन इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट साइट बनाता है, दैट्स कॉल वेबमास्टर, ओके। वन हु कुक इन अ होटल, जो होटल्स में खाना पकाने का काम करता है, वो कहलाता है शेफ यानी रसोइया, ओके। वन हु कलेक्ट्स वेस्ट, जो कूड़ा करकट जो होता है उसको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है फेंकने के लिए, सो ही इज कॉल्ड रैग पिकर्स। रैग मतलब चीथड़े या फिर कूड़ा करकट, ओके, पिकर्स मतलब उठाने वाला, सो इट्स अ रैग पिकर, फाइन, ओके। लेट्स गो अहेड, स्लिक द फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू एंजॉय, डू नॉट एंजॉय डूइंग। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को ये करना है, एक बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, देखना आप लोग, जिसमें लिखा है प्लेइंग विद डॉल, मेकिंग काइट्स, फ्लाइंग पेपर प्लेन, फ्लोटिंग बोट्स, ओके। तो आप इनमें से क्या एंजॉय करते हैं, तो जो एंजॉय करते हैं उसके सामने लिखेंगे आई एंजॉय, और जो एंजॉय नहीं करते, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो उसके सामने लिखेंगे आई डू नॉट एंजॉय, ओके। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, ताकि आप जिसको पसंद करते हैं उसका वो पोर्शन लिख लीजिए। जैसे ये एंजॉय करते हैं तो आई एंजॉय प्लेइंग विद डॉल लिख दीजिएगा, और जो एंजॉय नहीं करते हैं वो लिख सकते हैं आई डू नॉट एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स। मान लो कोई गर्ल्स है, वो तो कभी डॉल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करेगी, तो वो क्या बॉय है तो वो डॉल्स के साथ खेलना पसंद नहीं करता, तो वो लिखेगा आई डू नॉट एंजॉय प्लेइंग विद डॉल्स, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो आई एंजॉय मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ, उसके साथ एंजॉय करता हूँ, खुश रहता हूँ, एंड आई डू नॉट एंजॉय मीन्स मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता। तो आपको जो पोर्शन अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे आई एंजॉय मेकिंग काइट्स, आई एंजॉय फ्लाइंग पेपर प्लेन्स, आई एंजॉय फ्लोटिंग बोट्स, पेपर बोट्स, आई एंजॉय क्लाइंबिंग अप ट्री। अब किसी को चढ़ना पसंद नहीं होगा तो वो क्या लिखेगा, आई डू नॉट एंजॉय क्लाइंबिंग अप द ट्री, ओके, फाइन। कोई एक लिखेंगे, जिसको पसंद है वो पसंद वाला, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे, ओके। लाइकवाइज आई एंजॉय टीजिंग पपीज, मुझे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको परेशान करना अच्छा लगता है, तो ये कहीं भी से अच्छी बात नहीं है, सो यू शुड ऑलवेज राइट दैट आई डू नॉट एंजॉय टीसिंग पपीज, मुझे कुत्ते के बच्चों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, ओके, दैट्स व्हाई आई एम कट दिस पोर्शन, ओके। अब किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा तो वो लिखेंगे, बट ये बहुत गलत चीज़ है, ओके, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। सो इन दिस वे वी कैन कम्प्लीट दिस पोर्शन, ओके, वॉट यू हैव एन्जॉयड जस्ट राइट इट डाउन, जो आपको पसंद है वो लिखेंगे, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक और दिया, जैसे अब देखिए यहाँ पे स्टडिंग, आई एन्जॉय स्टडिंग, आई डू नॉट एन्जॉय स्टडिंग। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्टडी करना पसंद तो जनरली होता नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, दे शुड एन्जॉय, उनको ये चीज़ एंजॉय करना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है।
स्टडी में भी काफ़ी अच्छा एन्जॉयमेंट हो सकता है। सो लेट्स गो अहेड। जो बी वाला पोर्शन था उसमें हमको ये करना था, चेंज द सेंटेंस फॉर्म्ड इन एक्सरसाइज ए एज गिवन इन एग्जाम्पल। सो आई एन्जॉय प्लेइंग विद डॉल्स, एग्जाम्पल आई एन्जॉय टू प्ले विद डॉल्स। हमको सिर्फ क्या ऐड करना है यहाँ पे, टू। देखो यहाँ पे टू ऐड हुआ है, और जब भी टू हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ग्रामर में जब भी टू होगा तो उसके जस्ट बाद आने वाला जो वर्ब होता है उसमें अगर आईएनजी है तो वो आईएनजी जो है हट जाएगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा जिसमें आईएनजी भी नहीं रहता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी रहेगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू फॉलो। सो वी कैन राइट दैट आई एन्जॉय टू मेक काइट्स, आई एन्जॉय टू मेक फ्लाई पेपर प्लेन्स। ओके, फ्लाइंग था फ्लाई हो गया। आई एन्जॉय टू फ्लोट पेपर बोट्स, आई एन्जॉय टू क्लाइंब अप ट्रीज। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और देख के लिख सकते हैं, देखिएगा मत, पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, गलत हुआ तो देख के लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द सेकेंड पोर्शन, द बी पोर्शन। ओके, अब आते हैं राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में यहाँ पे जितने भी रेड वाले जो कलर पे हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो रेड कलर पे हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये आपकी बुक में क्या है, ब्लैंक दिया होगा। ओके, तो इसी को फील करके हमको ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, एक स्टोरी है तो चलो कंप्लीट करते हैं। चारू शर्मा एज 10 ईयर, जिसकी एज क्या थी, 10 साल थी, एंड चिन्मय विच एज हुज एज इज 6। ओके, एंड नेहा, उनकी जो मॉम थी उनका नाम था नेहा, बोर्ड अ लेडीज कंपार्टमेंट इन अ मुंबई लोकल ट्रेन। उन्होंने क्या किया, मुंबई लोकल ट्रेन में जो लेडीज़ कंपार्टमेंट था उसको बोर्ड किया, यानी उस पर चढ़े। 2 स्टेशन लेटर, 2 स्टेशन के बाद अ मैन एंटर्ड कंपार्टमेंट इनसाइड। उस कंपार्टमेंट के इनसाइड में यानी उसके अंदर एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। वन ऑफ देम स्टार्ट थ्रेटन मदर एंड टुक हर हैंड बैग एंड सो हर नाइफ इन हिज हैंड। उनमें से एक जो था वो क्या करता है, उनकी जो मॉम थी नेहा उसको उसकी जो हैंड बैग थी उसको छीनने की कोशिश करता है और उसको चाकू दिखाता है। चारू चिन्मय बोथ वर लर्न कराटे सो दे डू नॉट अलाउ थीव टू टेक अवे द बैग एंड चारू बाइट थीव्स बट थीव इंजर्ड चिन्मय इन फेस व्हाइल ट्रेन स्लो डाउन द थीव्स जंप्स आउट ऑफ द ट्रेन बट विदाउट बैग। जो चारू और चिन्मय थे दोनों ने कराटे की ट्रेनिंग ली हुई थी, दोनों को कराटे आते थे, तो दोनों एकदम से भिड़ गए। जो चोर थे उसको एक ने क्या किया, हाथ पे काटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चिन्मय था उसकी फेस पे जो थीफ था उन्होंने मुक्का दे मारा, तो क्या हुआ, वो इंजर्ड हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, और जैसे ही ट्रेन का स्पीड स्लो डाउन हुआ जो चोर थे वो वहाँ से कूद गए। लेकिन एक बात ये थी कि उन्होंने बैग ले जाने में अक्षम रहे, ठीक है, वो बैग नहीं ले जा सके। चिल्ड्रन फील मदर थिंक्स चिल्ड्रन नीड टू बी कॉशन, चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट दैट दे वुड रिपीट दिस करेज एक्ट करेजियस एक्ट इफ इंसिडेंट हैपन्ड अगेन। जो उनकी मॉम थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए परेशान हो गई थी, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने अपने आप में कॉन्फिडेंस फील किया कि वो अगर ऐसी कोई घटना फिर से होती है तो ऐसा जो साहसिक कार्य है वो फिर से करने के लिए अब वो क्या थे, अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करते थे, अपने आप में वो कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओके, उनमें उत्साह आ चुका था। तो इस तरीके से राइटिंग पोर्शन जो है कंप्लीट स्टोरी कर सकते हैं। ओके, जो रेड वर्ड्स हैं वहाँ पे आप कुछ अपने हिसाब से और वर्ड्स अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक, बट मीनिंगफुल स्टोरी आप बना सकते हैं। चलिए आगे चाहते हैं, तो इसमें देखो
बी पोर्शन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल छपा हुआ है, ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल है ठीक है, जिसमें इंडिया विंस द वर्ल्ड कप ये दिया हुआ है ओके, वो आर्टिकल का हेडिंग है। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ गलतियाँ हैं, जैसे इंडिया वॉज बॉल्ड आउट फॉर 217, लेकिन एक्चुअल स्कोर क्या होना था 183, 217 लिखा हुआ है जो क्या होना था 183। एंड सेकेंड वन इज़ अमरनाथ द इंडियन कैप्टन, बट उस समय कपिल देव वॉज द कैप्टन, यहाँ अमरनाथ लिख दिया है लेकिन वहाँ पे कपिल देव कैप्टन थे। तो ये दो मिस्टेक या दो एरर वहाँ पे लिखने के समय हो गया है, किससे, पब्लिक सर से जो इसको लिखा है और पब्लिश किया है। तो इसमें हमको क्या करना है, एरर को फाइंड करना है, हमको एक लेटर लिखना है जिसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे वो एड्रेस वाला पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन होता है बॉडी पोर्शन होता है ठीक है, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था कि लेटर कैसे लिखते हैं, और ये जो है रिगार्डिंग पोर्शन हो गया यानी एंडिंग पोर्शन हो गया। तो ये बॉडी को हम लोग को फील करके इसको लेटर को कंप्लीट करना है, योर ट्रूली पे अपना नाम लिख के इसको कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एड्रेस वाला पोर्शन दिया हुआ है ओके, तो यहाँ लिखते हैं सर मैडम थ्रू योर रीडर्स ऑप्शन पेज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट सम एरर्स इन योर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल उन्होंने दिया था पब्लिश किया था, कौन सा आर्टिकल था, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, तो इसीलिए ये आर्टिकल को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे देखो डाला हुआ है ओके। तो इस आर्टिकल में उनके एरर थे, क्या क्या एरर थे, द एरर्स आर, कौन कौन से एरर थे जो हमको देखा पहले ही दिया हुआ था है ना, यहाँ पे लिखा हुआ जो एरर्स थे, तो इसको जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे। सो फर्स्ट एरर इज़ दैट इंडिया वॉज बॉल्ड आउट फॉर 217 बट एक्चुअल स्कोर इज़ 183, तो 217 को 183 कर दो। और अमरनाथ की जगह में क्या लिखना है, कपिल देव वॉज द कैप्टन, तो अमरनाथ जी को हटा के वहाँ से एडिट करके उसको कपिल देव लिखना चाहिए, ऐसा करके हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे किसको, पब्लिशर को। सो होपफुली यू विल रेक्टिफाइड इट एंड रीपब्लिश्ड अ न्यू एडिशन विदाउट एरर, ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स को एडिट कर देंगे, सही कर देंगे और नया सा फिर से इसको फिर से पब्लिश करेंगे। एज अ रीडर आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर आर्टिकल्स आर वेरी पॉपुलर अमंग अस, एक रीडर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक पाठक होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपका जो ये न्यूज़ आर्टिकल है, ये न्यूज़पेपर है या जो पत्रिका है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में प्रचलित है, पॉपुलर है ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी न्यूज़ एडिटर या न्यूज़ पब्लिशर को ये क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे योर ट्रूली ठीक है, तो आपका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने रैंडमली किसी का नाम लिख दिया जैसे श्रीकांत, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे ओके। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द लेटर, चाहिए तो आप और इसमें कुछ फॉर्मेट्स को चेंज करके लिख सकते हैं जो आपको ज़्यादा बेटर लगे ठीक है। बट मेन थिंग्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जो काफ़ी है, काफ़ी सफिशिएंट है। चलिए आते हैं एक्टिविटी में। तो ये एक्टिविटी को करने के लिए हमको पेज नंबर 149 में जाना होगा, अपेंडिक्स 1 में, जहाँ पे लेसन 7 का दिया हुआ है ओके। तो चलिए अपेंडिक्स में पेज नंबर 149 पे जो आपकी बुक में है उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। लेसन 7 ऐसा एवरीडे हीरो करके वहाँ पे हेडिंग होगा, उसके जस्ट नीचे ये सब लिखा होगा, देखते हैं क्या लिखा है। हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाती होगी, तो आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो इतनी लंबी वीडियो को एक बार में कंप्लीट करना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो जितना पोर्शन होते जाता है वहाँ तक की वीडियो कंप्लीट कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, पढ़िए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली कीजिए, नो इशू ठीक है, जितना पोर्शन होते जाता है एक एक करके कंटिन्यू करते जाइए, लेकिन कंप्लीट करना नेसेसरी होता है ओके। एक में नहीं होता, दो में कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, द एडिटर ये तो हो गया था अपना ठीक है, यहाँ पे आते हैं
वॉल्टर हस्टन हु हैड डाइड एट हैम्पस्टेड न्यूयॉर्क एज्ड 46 वॉज वंस लिस्टेड इन अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द हैवीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। एक वॉल्टर हस्टन नाम के एक व्यक्ति थे जो हैम्पस्टेड यानी न्यूयॉर्क में हैम्पस्टेड नाम की जगह वहाँ पे रहा करते थे, जो 46 साल की एज पे 46 ईयर की एज पे जिनको क्या किया गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो है नॉमिनेट किया गया था और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड? हैवीएस्ट मैन, सबसे भारी व्यक्ति का। ओके, वॉल्टर हस्टन वॉज बॉर्न एट ब्रुकलिन इन 1945। उनका जो जन्म हुआ था 1945 में ब्रुकलिन नामक स्थान में हुआ था और 1970 व्हेन ही फैमिली मूव टू हैम्पस्टेड ही वाज ट्रांसपोर्टेड बाय मोटर कार। ही देन वेटेड 266 kg यानी 266 kg एंड ब्रोक द सीट। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे यानी कहाँ जा रहे थे हैम्पस्टेड की ओर मूव हो रहे थे, वहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो उनका वेट कितना था 266 यानी 266 किलो था। तो वो इतने ज़्यादा वजन के व्यक्ति थे कि जिस गाड़ी पे वो बैठे उसकी सीट जो थी वो टूट गई, ठीक है, और उनको वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, वो उसमें धंस गए थे, इतने वजन के व्यक्ति थे, सोच सकते हैं काफ़ी वजन थे वो। वो इतने भारी थे कि उनका खाना देखो कैसे था। ही जेनरसली स्टार्टेड हिज डे विद द ब्रेकफास्ट ऑफ 2 pounds ऑफ मीट। वो अपने दिन का शुरुआत ब्रेकफास्ट करते थे जिसमें 2 pounds ऑफ मीट, लगभग 2 pounds मीट यानी लगभग 1 kilo मांस, अ डजन ऑफ एग यानी 12 अंडे, अ लॉफ ऑफ अ ब्रेड यानी एक ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा और जैम एंड अ कॉफ़ी। जैम के साथ में वो ब्रेड को लेके और कॉफ़ी भी पीते थे। फिर फॉर लंच हडसन फेवर्ड 4 वेरी बिग बॉल ऑफ राइस, बड़े बड़े कटोरे भर के 4 कटोरे क्या खाते थे राइस यानी चावल खाते थे। 8 boxes ऑफ फ्राइड पोटैटोस यानी लगभग 8 डिब्बे फ्राइड पोटैटोस यानी फ्राई किया हुआ आलू और 6 large bottles ऑफ कोको कोला, जो बड़े बड़े लार्ज बॉटल होते हैं ना कोको कोला के वो लगभग 6 bottles और 4 double cheese burgers, जो बर्गर होता था उसमें डबल चीज़ डाल के वो 4 burgers खाते थे। ओके, और डिनर में वो क्या खाते थे, ही वुड ईट 6 roasted corns, जो कॉर्न होती है भुट्टे होते हैं वो रोस्टेड किए हुए 6 मक्के वाले भुट्टे। अनदर वुड बी ईट अ चिकन आर 2, लगभग 1 big chicken यानी 1 मुर्गी या 2 chicken के जो है वो रात में डिनर में लेते थे, साथ ही वो लेते थे नूडल्स। ओके, 6 bottles ऑफ सोडा, 6 bottles सोडा और सैंडविच एंड आइसक्रीम, सैंडविच भी बहुत सारा खाते थे और आइसक्रीम भी उसके साथ में लिया करते थे। ऑल आई केयर्ड रिकॉल्ड वॉज फूड फूड फूड, इतना सब खाने के बाद भी वो हमेशा फूड 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 यानी खाना 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 चिल्लाते ही रहते थे। तो सोच सकते हैं उसका वजन कैसा इतना बड़ा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमको ये करना था, कंप्लीट करना था टेबल। तो वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, तो ब्रेकफास्ट में खाते थे वो 2 pounds ऑफ मीट, अ डजन ऑफ एग, अ लॉफ ऑफ ब्रेड एंड अ जैम एंड कॉफ़ी। लंच में 4 वेरी बिग बॉल्स ऑफ राइस, 8 boxes ऑफ फ्राइड पोटैटोस, 6 large bottles ऑफ कोको कोला एंड 4 double cheese burgers। एंड इन अ डिनर ही ईट्स 6 roasted corns, अनदर 6 or 7 baked potatoes। बिटवीन दिस मील्स ही वुड ईट अ चिकन और 2, एक या 2 chicken फॉलोड बाई नूडल्स, नूडल्स के साथ में और 6 bottles ऑफ सोडा, सैंडविच एंड आइसक्रीम, ये सब वो
डिनर में खाते थे। ओके, तो वो स्टोरी हम लोग पढ़े तो हम लोग इसको फील कर पाए, ठीक है, इसीलिए वो पढ़ना नेसेसरी था। ठीक है, ए वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं सेकंड वाले पोर्शन में, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वाल्टर हस्टन बर्न, ठीक है, जो हडसन वाल्टर हस्टन थे वो कब पैदा हुए थे। वाल्टर हस्टन वाज बर्न एट ब्रुकलिन इन 1945, ब्रुकलिन में 1945 को पैदा हुए थे। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट हडसन, उनके बारे में क्या ख़ास बात थी। सो स्पेशल अबाउट हडसन इज़ दैट वंस ही वॉज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द हैवीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, वो जो थे दुनिया के सबसे ज़्यादा वजनी व्यक्तियों के लिस्ट में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ये उनकी खास बात थी। एट वॉट एज ही डिड डाई, कौन सी एज में उनकी मृत्यु हुई। सो हसन डाइड ऑन द एज ऑफ 46, 46 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। वॉट हैपन टू द हसन एंड द मोटर कार व्हेन द फैमिली मूव टू द हैम्पस्टेड, जब फैमिली हैम्पस्टेड के लिए मूव हो रही थी तो हसन और कार के साथ में क्या हुए थे। सो इन 1970 व्हेन हिज फैमिली मूव टू हैम्पस्टेड ही वॉज ट्रांसपोर्टेड बाई द मोटर कार, ही देन वेटेड 266 kg एंड ब्रोक द सीट, ही कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। जब वो अपनी हडसन जो थे वो हैम्पस्टेड के लोग मूव हो रहे थे, वहाँ जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे, तो जिस मोटर कार में वो बैठे उसकी सीट 266 किलो होने के कारण वो सीट टूट गई, और टूट जाने के कारण वो उसमें धंस गया, उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये उनके साथ हुआ था। आगे आते हैं बी वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे रीड द सेंटेंस अलाउड, चूज द क्लू एंड स्पीक इट इन अ सेंटेंस, यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको जो जो उसे बोलना है और उसका क्या है उसका आंसर उनको लिखना है। ये एक टाइप की पहेली है, पजल टाइप का चीज़ है, देखते हैं कैसे। वाइट कलर, सफ़ेद कलर होता है, लॉन्ग टेल, लंबी पूँछ होती है, ईट माइस, चूहे चूहिया खाती है, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सफ़ेद कलर की होती है, जिसकी बड़ी सी पूँछ होती है और जो चूहे खाती है, सो इट्स अ कैट, बिल्ली। वैसे ही सेकंड देखो, टॉलेस्ट माउंटेन वेरी कोल्ड सिचुएटेड इन नेपाल, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन है और सबसे ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे, और सिचुएटेड इन नेपाल, ये नेपाल में है। सो व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये एक टाइप का प्ले है, गेम खेलेंगे क्लास पे, तो उस तरीके से खेल सकते हैं, एक व्यक्ति इसको बोलेगा, एक बच्चा, और सेकंड उसके जवाब देंगे। ओके, सो इट्स अ एवरेस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है एवरेस्ट, जो नेपाल में है, ठीक है, और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। थर्ड आते हैं, सीप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है इसे, कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू अ मंथ, जो एक महीने तक बिना पानी के भी रह सकता है। व्हाट एम आई, कौन हूँ मैं। सो इट्स अ यस कैमल, ऊंट, स्मॉल इन साइज म्यूजिक कम्स आउट ऑफ इट, जो साइज में छोटा होता है इससे क्या होता है, म्यूजिक निकलता है। चिल्ड्रंस लाइक लिसनिंग टू इट, बच्चे जो हैं इसको सुनना बहुत पसंद करते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। सो इट्स अ फ्लूट, बांसुरी। आई गो फॉर हाउस टू हाउस, मैं घर घर जाता हूँ, एंड आई डिलीवर लेटर्स, और मैं जो है पत्र पहुँचाता हूँ। कौन हूँ मैं, हु आई एम, हु एम आई। सो इट्स अ पोस्टमैन, डाकिया। क्योर एनिमल्स, वी आर अ वाइट कोट, वर्क इन अ हॉस्पिटल, हु एम आई। जो वाइट कोट पहनता है, जितने भी जानवर होते हैं या जितने भी जीव जंतु होते हैं उसकी केयर करते हैं जो, ठीक है, उसको ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, और जो है हॉस्पिटल में काम करते हैं, कौन है वो। सो इट्स अ डॉक्टर।
चिकित्सक। ओके, सो लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड अ स्टूडेंट इन योर स्कूल हैविंग सम क्वालिटीज़ यू हैव रीड इन द लेसन एंड राइट अबाउट हर हिम इन योर नोटबुक। कुछ ऐसे बच्चे खोजने हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ऐसी क्वालिटी खोजना, जैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे ना, कोई बहुत ज़्यादा करेज दिखाता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन बहुत अच्छा हार्ट नाइस हार्टेड है, ठीक है, कोई काइंडनेस के लिए करता है, तो अगर कोई ऐसे हैं तो उसके बारे में आपको पता करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ओके, सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट पे आप बकायदा पूछ सकते हैं, आपके इसके आंसर्स दिए जाएंगे और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसको आप क्लिक करके पूरे जितने भी लेसन 8 के वीडियोस हैं वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट आने वाली वीडियो लेसन 8 होगी द स्कूल, सॉरी एट स्कूल। ओके, सो बाय।